इनके आयुध तो नष्ट ही नहीं हो रहे, मुझे और शक्ति लगानी होगी। आप सबने अवश्य मुझे आश्वस्त किया है, किंतु मैं अब भी चिंतित हूं। हनुमान उनका सामना कर भी पाएंगे? इनकी गदाओं की चमक से मेरे नेत्र चौंधिया रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए मामा श्री, हमारी सेना शीघ्र ही तैयार हो जाए। इन्हें देख पाना कठिन हो रहा है। फिर मैं सेना को लेकर हनुमान जी की सहायता के लिए पहुंच जाऊं। हम सब मिलकर उन गंधर्वों को खदेड़ देंगे। और आपके राज्य को उनके आतंक से मुक्त करा देंगे। विरोधी योद्धा के अस्त्र शस्त्र या तो नष्ट हो जाते हैं या फिर अंतरिक्ष में जाकर लुप्त हो जाते हैं। तब तक मुझे हनुमान जी की सहायता के लिए जाना चाहिए। किंतु इनकी गदाएं तो सुरक्षित, शक्तिशाली और प्रकाशित कैसे होती जा रही हैं? जब तक सेना यहाँ से कूच के लिए तैयार होती है, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए मामा श्री। इसके पीछे क्या रहस्य है? तुम तैयार होती है, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए मामा श्री। यदि इन्हें देख पाना कठिन है तो इनकी ध्वनि सुनकर ही वार करना होगा मुझे। तनिक भी विश्राम का अवसर नहीं देंगे हमारे अस्त्र तुम्हें। तुम उनसे ही संघर्ष करते रह जाओगे और हम तुम्हारे नेत्रों के समक्ष। इनकी बढ़ती चमक और ध्वनि से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये नष्ट ही नहीं हो रही। अयोध्या से युद्ध जीत को ले जाएंगे। ये तुम्हारा भ्रम है। हाँ। किसी भी आकस्मिक विपदा काल में अपने निकटतम सगे संबंधियों से सहायता लेना ही बुद्धिमानी का कार्य है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.